असलमकुमर्स आज का हमारा प्रोजेक्ट है एल ई डी गेम चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है इसके बाद अडीनो का कोड है इसके बाद सिमुलेशन की फ़ाइल है तो सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस एट पॉइंट ट्वेल्व पर ओपन कर लेना है कोड सर्कट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अडीनो योनो यूज किया हुआ है इसके बाद हमने दो चौहत्तर एस्सी पांच सौ पचानवे शिफ रजिस्टर आई यूज किए हुए हैं तो इनके साथ हमने कॉमन अनोड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूज किए हुए हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हमने प्लेयर्स के स्कोर शो करने के लिए डिस्प्ले किए हुए हैं यहाँ पर हमने एक बजर यूज की हुई है दो पुश बटन यूज किए हुए हैं इसके बाद नाइन एल यूज की हुई है टू रेड यूज की हुई है टू येलो और फाइव ग्रीन एल यूज की हुई है एलई पॉजिटिव हमने अडीनो की पिन के साथ अटैच की हुई है और नेगेटिव पे ओम के रिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज में यूज की हुई है चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए अडीनो का कोड ओपन करके एक्सपेल जनरेट कर लेते हैं ये हमारा कोड है इसको अपने अडीनो आई डी पे ओपन कर लेना है यहाँ से आपने टूल्स में जाना है टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अडीनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल कर लेना है डन कंपाइलिंग कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है तो यहाँ से आपने एक्सवेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है कोड कंपाइल करने के बाद अगर आपको एक्सवेल का एड्रेस यहाँ पे नीचे शो नहीं होता है तो आपने अडीनों की फ़ाइल्स में जाना है फ़ाइल्स में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से आपने कंपलेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कोड को दोबारा से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक्सवेल का एड्रेस मिल जाएगा तो यहाँ से अपनी एड्रेस कॉपी करके प्रोटियस सिमुलेशन में इंक्लूड कर लेना है इसके बाद यहाँ से अपने फाइल को रन करना है जैसे ही हम फाइल रन करते हैं सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे हमें प्लेयर ए और प्लेयर बी का स्टेटस अपडेट हो जाता है इसके बाद सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे प्लेयर्स के स्कोर डिस्प्ले हो जाते हैं अब जैसे ही कोई भी प्लेयर लॉस करेगा तो उस कंडीशन के ऊपर दूसरे प्लेयर को एक पॉइंट मिल जाएगा अब जैसे ही एलईडी मूव हो रही होती है तो जैसे ही प्लेयर वन प्लेयर टू की तरफ हिट करता है तो प्लेयर टू की रेड एलईडी ऑन होने से पहले अगर हम बटन प्रेस कर देते हैं तो दोबारा एलईडीज़ प्लेयर वन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगी इसी तरह ही प्लेयर वन अगर एल को रेड एल ई से पहले बटन हिट कर देता है तो उस कंडीशन के ऊपर प्लेयर टू की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी और इसी तरह जैसे ही कोई भी प्लेयर रेड एल तक पहुँचने से पहले बटन प्रेस नहीं करेगा तो दूसरे प्लेयर को एक स्कोर मिल जाएगा आप इस गेम को विदाउट चौहत्तर एस यानी कि सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बगैर भी बना सकते हैं सिंपल एल के ऊपर भी ये स्कोर डिस्प्ले कर रहा होता है अब जैसे कि प्लेयर टू ने हिट किया है और प्लेयर वन की तरफ रेड एल ऑन होगी गई है तो उस कंडीशन के ऊपर प्लेयर टू के इसने स्कोर डिस्प्ले किए हुए हैं टू अब इसी तरह ही यहाँ से हमने प्लेयर वन से हिट किया है तो उस कंडीशन के ऊपर प्लेयर टू ने फॉल कर दिया हुआ है प्लेयर टू की तरफ रेड एल ऑन हो गई हुई है अब प्लेयर वन को एक स्कोर मिल गया हुआ है तो एल के ऊपर भी स्कोर डिस्प्ले हो जाते हैं और साथ में सेवन सेगमेंट पे भी स्कोर डिस्प्ले हो रहे होते हैं अगर आप इस गेम को सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बगैर चलाना चाहते हो तो उस कंडीशन के ऊपर आप सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बगैर भी इस गेम को रन कर सकते हो कोड में कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी हम प्लेयर वन वाली साइड के ही स्कोर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं जैसे ही प्लेयर वन के स्कोर नाइन के इक्वल होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर गेम ओवर हो जाएगी और साथ ही स्कोर और प्लेयर वन की रेड एल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी कि प्लेयर वन विनर है अब जैसा कि हमारे एट स्कोर हो गए हुए हैं अब जैसे ही नाइन स्कोर कंप्लीट होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर गेम ओवर हो जाएगी तो जैसे ही हमारे नाइन स्कोर कंप्लीट हुए हैं तो उस कंडीशन के ऊपर स्कोर भी ब्लिंक होना शुरू हो गए हुए हैं और साथ ही प्लेयर वन की रेड एल भी ब्लिंक होना शुरू होगी हुई है तो फाइव टाइम ये ब्लिंक करेगा इसके बाद कंट्रोलर रीसेट होके यानी कि दोबारा से गेम हमारी शुरू हो जाएगी तो ये थी हमारी सिमुलेशन चलिए अब आपको सर्कल डायग्राम का और भी दे, दे देता हूँ ये हमारी सर्किट डायग्राम है इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए नाइन वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है इसके बाद अडीनो यूनो यूज किया हुआ है इसके बाद एक बजर यूज की हुई है इसके बाद टू चौहत्तर एससी पांच सौ पचानवे शिफ्ट रजिस्टर यूज किए हुए हैं इसके बाद टू सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूज किए हुए हैं कॉमन अनोड इनकी कॉमन पे हमने अंडर की रिस्टेंस पॉजिटिव से, से सीरीज में यूज की हुई है इसके बाद नाइन एल ईडीज यूज की हुई हैं टू रेड टू येलो और फाइव ग्रीन एल ईडीज की नेगेटिव पे ग्राउंड से अंडोम की रिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है एल की पॉजिटिव हमने अडीनो की पिट्स साथ अटैच की हुई है और इसके बाद टू पुश बटन यूज किए हुए हैं तो पुश बटन की भी एक साइड हमने ग्राउंड की हुई है दूसरी साइड हमने अडीनों के पिन के साथ अटैच की हुई है तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम चलिए आप डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं वेलकम बैक चलिए आप कोड अडीनो में अपलोड कर लेते हैं तो ये हमारा कोड है यहाँ पे सबसे पहले हमने चौहत्रासी पाँच सौ पचानवे शिफ्ट रजिस्टर के लिए पिनें नलाइज की हुई हैं इसके बाद बैनरी नंबर जो हमने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है उसके लिए हम बैनरी डाटा शिफ्ट रजिस्टर पर राइट कर रहे होते हैं इसके बाद एल ई डीज़ की पिनें चलाइस की हुई हैं पुश बटन की पिनें नलाइज की हुई हैं कोड अडीनो में अपलोड करने के लिए अपने टूल्स में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड कन्फर्म करना है अडिनो योनो इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है डन अपलोडिंग कोडमरा अपलोड हो गया हुआ है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय रायसमय कमेंट्स में, कमेंट में ज़रूर आगा करें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहें चलिए अब आपको हार्डवेयर का और भी दे देता हूँ